टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। उत्तर प्रदेश से 12 बाकी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बीते शनिवार को प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। पार्टी ने मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि नाम ऐलान होने की अगले ही दिन यानी रविवार से उनका एक कथित वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2024 पेपर 2 का परिणाम जारी कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया हो वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और यह चुनाव कब होगा। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ स्थित आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। फिलहाल पिछले एक साल से विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। उन पर कार्यवाही पीएमएलए के तहत हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। हर लोकसभा सीट पर 2 से 4 नाम पैनल ने तैयार किए हैं। बांसवाड़ा में होगी राहुल गांधी की जनसभा। 7, 8, 9 और 10 मार्च को भारत छोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को लगभग एक सप्ताह की छुट्टी पर चले गए। इस दौरान वह कुछ दिन विदेश में बिताएंगे। रूसी सेना ने पंजाब के 5 और हरियाणा के 2 लड़कों को जबरन हाथ में बंदूक थमाकर बॉर्डर पर यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे टूरिस्ट वीजा पर रूस घूमने के लिए गए हुए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के काफिले के बेहद नजदीक मिसाइल गिरने की बात की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है और निफ्टी ने 22,500 का नया शिखर छू लिया है। आज निफ्टी 22,505.30 पर खुला है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पहली बार ओपनिंग के समय दिखा है। गूगल के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप लगा है। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर चोरी छिपे 2 चाइनीज कंपनी के साथ काम कर रहा था। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को मुंबई में इसके नेताओं की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। इस बीच प्रदेश में लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के बीच लगातार कई बैठकें हो चुकी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे परिवार में छोटे बच्चों सहित लगभग 120 से 125 सदस्य हैं और अगर एक व्यक्ति अलग राय रखता है तो यह विभाजन का संकेत नहीं है, हमारा परिवार एकजुट है। मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से अब लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में मराठा समुदाय की ओर से हर गांव से एक उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के विकेटकीपर बैटर जॉनी बेयरस्टो टेस्ट करियर का 100वां मैच खेल रहे हैं। अश्विन को टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने धर्मशाला टेस्ट से ठीक पहले स्पेशल कैप सौंपी। देवदत्त पडिकल ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया। पडिकल को 100वां टेस्ट खेलने वाले रविचंद्रन अश्विन ने डेब्यू कैप सौंपी। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। किरण राव ने वुमेन्स डे के खास मौके पर अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। 8 मार्च को आप लापता लेडीज सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस किसी न किसी वजह से चलते चर्चा में बनी रहती है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जैकलिन की बिल्डिंग का है जिसमें आग लग गई है। माना जा रहा है कि एक्ट्रेस जिस बिल्डिंग में रहती है उसकी 13वीं मंजिल पर आग लगी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।